वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर आपका अपने चैनल ओपन ओशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी सीरीज एक बार फिर एक कहानी और। दोस्तों, ये बात है एक गांव की। वहां पे एक महाराज रहा करते थे, ज्ञानी पुरुष, बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहा करते थे, हमारे गुरुजी रहा करते थे। और उनको ये घमंड था कि वो सब कुछ जानते हैं। तो गांव में कोई भी समस्या होती थी तो लोग उनके पास जाते थे, उनके पास अपनी समस्या का निवारण, और वो बता भी देते, तो लोगों को लगता था कि इनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। और वो भी कई गुरुओं से, कई बड़े बड़े ज्ञानियों से, शिक्षा का स्रोत जिन्हें कहा जा सकता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करके आए। किंतु एक घटना ऐसी होती है जो उनका पूरा जीवन परिवर्तन कर देती है। अब होता यह है कि वो भिक्षा मांगने जा रहे होते हैं और तभी एक शव यात्रा उनको दिखाई पड़ती है, तो वो किनारे हो जाते हैं और एक छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं किनारे। उसको आशीष करते हैं, नमन करते हैं, कि तभी वो देखते हैं कि बगल में जो सीढ़ियां हैं उससे उतरती हुई एक छोटी सी बालिका, एक 8-10 वर्ष की बालिका उतर के आती है, और वो थोड़ी दूर तक शव के साथ जाती है, फिर वापस ऊपर चली जाती है। और उनको ऊपर से आवाज़ सुनाई पड़ देती है कि अम्मा, लाला मरे हैं, ये ना स्वर्ग जाएंगे। तो हैरत होती है कि ठीक है, बच्ची है, कुछ भी बोल देती है, लेकिन वो ध्यान चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वापस ये सिलसिला होता है, वो रोज सिदरा भिक्षा मांगने जा रहे हैं, और जैसे ही उस घर के बाहर जाते हैं उनको एक शव यात्रा दिखाई पड़ती है। और फिर वही सिलसिला, वो लड़की उतर के आती है, पीछे जाती है, कहती है अम्मा ठाकुर मरे हैं, ये तो नर्क जाएंगे। अब ये महाराज, ये गुरु जी जो इतने ज्ञानी थे, जिनको कहते संसार का समस्त ज्ञान था, वो ये सोच के हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं, जिसने दुनिया का समस्त ज्ञान हासिल कर लिया है, सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे आज तक नहीं पता कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो इसे कैसे पता। तो जब उनसे रहा नहीं जाता है, वो उस बच्ची के पास जाते हैं, ऊपर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और अंदर से माई दरवाज़ा खोलती हैं, कहती हैं जी महाराज, मैं भिक्षा लेके आती हूँ। तो वो कहते हैं मुझे भिक्षा नहीं, मुझे उस बालिका से मिलना है जो ये जानती है कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा। तो वो उसके पास बालिका आती है और पूछती है जी महाराज, कहते बेटा मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे ये पता कि ये व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा, या क्या होगा इस व्यक्ति का। तो कहती है गुरु जी महाराज, जब मैं शव यात्रा के साथ जाती हूँ, चलती हूँ, तो वहाँ लोग कहते हैं ये तो बहुत बुरा व्यक्ति था, ये नर्क जाएगा, ये सबको मारता था, सबको प्रताड़ित करता था, परेशान करता था, तो ये नर्क जाएगा। वहीं कुछ जब जाती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं तो बड़ा दयालु था, बड़ा कृपा करता था सब पे, सबसे प्यार से बोलता था, तो ये ना स्वर्ग जाएगा। तो बस उस पल महाराज को एहसास हुआ, उन गुरु जी को ये एहसास हुआ कि उनकी जो शिक्षा अधूरी थी, इस छोटी सी बच्ची ने जो बात कही वो शायद ये कभी समझ ही नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी इशारा करती है हमारे कर्मों की ओर, हमारे गुणों की ओर, कि हम समाज में सबके साथ जैसे व्यवहार, जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व वैसा बन जाता है। और जब हम नहीं होते तो वही चीज हमारी पहचान बनती है। जी हाँ दोस्तों, इसको कहा जाता है अस्तित्व। मेरा अस्तित्व वही है जो मेरे जाने के बाद रह जाए, जिसे लोग याद करें, जिससे मेरी पहचान बने। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करिए, अपने अच्छे गुणों को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, उस पर आगे बढ़िए। और आशा करते हैं कि हमारी जो सीरीज है कहानी और आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट्स कीजिए, और लगभग रोज़ हम आपके लिए कहानी लेके आएंगे जो हमारे लाइफ स्किल्स, हमारे जीवन, हमारे स्वयं की यात्रा से जुड़ी है, और कोशिश करेंगे कि आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा सीख सके। और मैं एक ऐसे समाज की संरचना की अपेक्षा रखता हूँ जिसमें हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता है, प्रेम भाव से रहता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, हर किसी के लिए सोचता है। तब तक घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और देखते रहें अपना चैनल ओपन ओशन। धन्यवाद।